जी तो जनाब, डे सिक्स मैच नंबर टू। अच्छा तो कतर और सेनेगाल का जो ये मैच है बहुत इंटरेस्टिंग था। हमें चार गोल्स देखने को मिले जिसमें से तीन सेनेगाल ने स्कोर किए, कतर ने एक गोल स्कोर किया। और थ्रू आउट पोजेशन ही अगर बात करें तो सेनेगाल के पास ज़्यादा पोजेशन था ओवरऑल मैच में, 56%। और बाकी शॉट्स ऑन टारगेट जो हैं कतर की ज़्यादा थी, उन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट्स की हैं गोल स्कोर करने की, पर वो कन्वर्ट नहीं कर सके। गोलकीपर अच्छे थे सेनेगाल के तो उन्होंने सेव्स भी की हैं, और डिफेंस बहुत अच्छा था सेनेगाल का। आखिर में जब एक्स्ट्रा टाइम था तो कुछ उन्होंने ट्रिक्स भी यूज़ की कतर की टीम ने। अच्छा तो एक चीज़ तो है कि इवन दो कतर इस वक्त बॉटम पे है अपने टेबल में, सबसे उनके 0 पॉइंट है, कोई भी मैच उन्होंने नहीं जीता दो मैचेस खेलने के बाद, लेकिन अगर आप उनका क्वालिटी ऑफ फुटबॉल देखें वो अच्छा क्वालिटी ऑफ फुटबॉल था। आज लास्ट टाइम बहुत बोरिंग था, आज बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ फुटबॉल था। और ऐसा लग रहा था कि भाई सेनेगाल ने पहले गोल मार लिया तो कोई बात नहीं, ये कतर जरूर कमबैक करेगा। तो कमबैक किया, एक गोल मार भी दिया कतर ने, लेकिन फिर सेनेगाल ने भाई ओवरऑल तीन गोल मार दिए, तो इस वजह से कतर अब बॉटम ऑफ द ग्रुप है। अच्छा तो ये था जी अभी का मैच। अगला जो मैच है वो इक्वाडोर और नेदरलैंड्स के दरमियान है। उसके अंदर खास बात ये है कि इक्वाडोर भी जीता हुआ है, नेदरलैंड्स भी जीता हुआ है, दोनों जीती हुई टीम्स हैं। और उसमें जो आपके पास हैं मिस्टर वालेंसिया इक्वाडोर में हैं, और उन्होंने दो गोलों ने स्कोर किए थे, दो गोल स्कोर करने वाले सिर्फ जो हाईएस्ट गोल स्कोरर्स हैं अब तक के वर्ल्ड कप में, वो टू गोल्स स्कोर किए प्लेयर्स ने, और वालेंसिया उनमें से एक हैं। बाकी नेदरलैंड्स ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और हर बार वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होते हैं। तो लेट्स सी हाउ द मैच गोस, आई फॉर वन एम सपोर्टिंग द डच, और लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, लेट्स बी बैक विद द नेक्स्ट अपडेट।